पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव नामांकन दाखिले के दौरान मचा फिर बवाल। तृणमूल नेता के घर पर हुआ हमला। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा, हंगामा और तोड़फोड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार देर रात दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर हमला और तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। दावा है कि बम भी फेंके गए हैं। इसका आरोप इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF कार्यकर्ताओं पर लगा है। चलताबेरिया गांव में कुतुबुद्दीन अली शेख नाम के एक तृणमूल नेता के घर देर रात हमले हुए हैं। मंगलवार को भी स्थिति जस के तस बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ISF स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी है। वहीं इलाके में रुक रुक कर अब भी बमबाजी के साथ पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं पुलिस भी पत्थरबाजों को रोकने के किए आंसू गैस के गोले छोड़ स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं मौके से भारी संख्या में बम के हिस्से भी बरामद किए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने इन्हें बरामद कर जांच शुरू कर दी है। भांगड़ दो नंबर ब्लॉक के BDO दफ्तर में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के विवादित नेता अराबुल इस्लाम के बुलावे पर कुतुबुद्दीन नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे। उसके बाद देर रात लौटकर विश्राम कर रहे थे, तभी पथराव और बमबारी शुरू हो गई। उसी समय काशीपुर थाने को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इधर मंगलवार को IAF के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कोई हमला नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि तृणमूल वाले आपसी गुटबाजी में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। কতদূর লোক আহত হয়ে গেছে জানি না। 144-এর বাইরে ওরা একদম পুরো ঠেকি কুত্তার মতো আজকে ওদের হাই পাত্রাতে মাটি সরে গেছে বলে ওরা চোর গুণ আজ কি হারে মারছে মানুষকে আর মানুষ। কি নাম দাদা আপনার? নাসির আলী মোল্লা। আপনি কোথেকে আসছেন? চাঁদেবাড়িয়া অঞ্চল গানি রাইড। অত্যাচার করছে আমাদের বউদের। আমরা গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে আমরা জানি মানুষ আমাদের ভোট দেবে, যার ভালো লাগে তাকে ভোট দেবে, সে জিতবে ন্যায় ন্যায্য ভাবে সঠিক ভাবে নরমিশন ফাইল হবে, আমাদের ভোট হবে। কিন্তু ওরা জোর অবস্থায় আজকের মুড়ি মুড়িগুলির মতো বম গুলি করে আজকে মানুষকে আহত করে না ঢুকতে দেওয়ার বাহানায় কত লোক যে আহত বাইরে, তোমরা না গেলে বুঝতে পারবে না কি হারে ওরা মারছে। আমরা চাল দেবে থেকে আসছি। আপনাকে কি মেরেছে? মারছে চিএমসি হারমাত বাহিনীরা।
নির্বাচন কমিশনারকে বলবো অবিলম্বে আমরা যারা আইএসএফ থেকে নমিশন করবো আমাদেরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করো, আমাদেরকে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে শাসক দলের তৃণমূল নেতারা। কোথায় হচ্ছে এটা? আমরা অফিসে আসছিলাম লম্বর বোলাকে, এই রাস্তায় আসার পথে বিশেষ করে ছবিতে রাখছি তুমি ছবি দেখে নি। Please like and subscribe our channel to stay updated.